बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के दिग्गज नेता रहे शरद यादव की दोस्ती के किस्से तो सियासी गलियारों में खूब मशहूर हैं। लेकिन जब दोनों में दुश्मनी हुई तो इस दुश्मनी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस दुश्मनी में सियासी मर्यादा भी तार तार हो गई। कभी एक दूसरे के कट्टर दोस्त रहे शरद नीतीश की दुश्मनी हुई तो नीतीश कुमार ने शरद यादव से उनका 22 साल पुराना बंगला भी छीन लिया। चलिए आपको नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच दुश्मनी के किस्से को बताते हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देते हुए आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर बिहार में महागठबंधन बनाया तो इसका सूत्रधार शरद यादव को माना गया। जब तक महागठबंधन की सरकार चली तब तक शरद और नीतीश में खूब बनी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो शरद यादव से ठन गई। शरद यादव इस फैसले से खुश नहीं थे। इस फैसले से वह इतना नाराज हुए कि उन्होंने जेडीयू से दशकों पुराना नाता तोड़ दिया और खुद की पार्टी बना ली। हालांकि उनकी पार्टी का विलय आरजेडी में हो गया। आरजेडी में शरद यादव की पार्टी के विलय के बाद जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा था, ये वही शरद यादव हैं जिन्होंने लालू यादव को सजा होने पर खुशी जाहिर की थी। कहा था कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह फैसला सबक है। उनकी नजर में लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं तो पार्टी का विलय क्यों? देखना है तेजस्वी यादव अपने पिता को भ्रष्ट कहने वालों को क्या इनाम देते हैं। वाह समाजवाद। वक्त के साथ शरद यादव और नीतीश कुमार की दुश्मनी बढ़ती गई। दिल्ली के साथ तुगलक रोड वाले बंगले में बतौर केंद्रीय मंत्री और सांसद के तौर पर 22 साल बिताने वाले शरद यादव ने 31 मई 2022 को बंगला खाली कर दिया था। आवास खाली करने के बाद उन्होंने बगैर नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था, समय आता है और चला जाता है। मैं 50 साल से लुटियंस जोन में हूँ। मैं 7 तुगलक रोड पर 22 साल से हूँ। लुटियंस दिल्ली में आज मेरा आखिरी दिन है। समय बदलता रहता है। समय बदला तो फिर यहाँ लौटूंगा। वादा करने के बाद भी आरजेडी ने मुझे राज्यसभा नहीं भेजा। दरअसल साल 2000 में जब शरद यादव केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए तब से वह 7 तुगलक रोड वाले बंगले पर रह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार से दुश्मनी और आरजेडी के धोखे के बाद वह राज्यसभा नहीं पहुंच पाए और आखिरकार 22 साल के बाद उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।